एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर कॉपिंग माई ब्रांड नेम एंड कॉपिंग माई चैनल नेम प्लीज स्टॉप एंड अगर आप मेरी वीडियोज देख रहे हैं इफ यू गाइज लाइक माई चैनल प्लीज गो टू देयर चैनल एंड टेल देम टू स्टॉप स्टीलिंग माई नेम. So today I was going to react to this stand-up comedy called Padmavat and the Parrot. And मैं जब उसको सर्च करने गया तो उसके नीचे रिजल्ट्स में आ रहे थे दो चैनल्स जो कि मेरा ब्रांड नेम चुराते हैं और अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चैनल डिस्क्रिप्शन में और वीडियो टाइटल में यूज करते हैं. पाकिस्तानी रिएक्ट्स टू पद्मावत एंड पैरट. अब आई डोंट वांट टू बी दैट गाय जो किसी को डिस्करेज करे टू यू नो क्रिएट कॉन्टेंट एंड मेक वीडियो एंड इफ देर गेटिंग सक्सेसफुल ऑल द बेस्ट टू देम. लेकिन इट्स समथिंग दैट जस्ट बॉगल्स माई माइंड के यार कैसे आप खुले आम बस किसी का ब्रांड इस तरह चुराए जा रहे हो और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ उस बारे में तो उसका मतलब आप उसको लगाए जा रहे हो. दिस इज माई ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. अगर मैं चाहूँ तो किसी कोर्ट में जाके कह सकता हूँ कि भाई मेरे ब्रांड को यूज किया जा रहा है, उसकी इमेज को हर्ट किया जा रहा है. चाहे आप जो भी कर रहे हो उसमें, आप यूज कर रहे हो उस चीज़ को, वो मेरा ब्रांड है, राइट? I can claim damages on that, but I don't want to do all that. So please stop using my brand name. अपना brand name use करो, अपनी चीज़ इजाद करो. You've already gained so many subscribers. आपको सब मिल गया है जो आपको चाहिए था. अब तो थोड़ी गैरत खाओ और stop copying my brand name. क्या है मतलब, कहाँ थे आप लोग भाई जब कोई चैनल नहीं था पाकिस्तानी reactions, पाकिस्तानी reaction नाम का, जब कोई बना नहीं रहा था videos, कोई पाकिस्तान की आवाज़ आगे नहीं ला रहा था. I started this. अब मैं कर रहा हूँ और मैं अपने 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 ब्रांड को बिल्ड कर रहा हूँ और बीच में ये चोर साले सारी ब्रांड इक्विटी जो है वो खा रहे हैं. पीपल थिंक कि रिएक्शन चैनल्स ऑल्सो स्टील वीडियोस. यार मुझे नहीं पता बाकी रिएक्शन चैनल्स क्या करते हैं. मैं परमिशन लेता हूँ, ठीक है? मैं देखता हूँ कि लीगल है कि नहीं है एंड आई यूज इट इन अ लीगल वे, जो कि गलत ना हो, किसी के साथ गलत ना हो रहा हो. आई प्रमोट दोज चैनल्स, मैं उसके अंदर इनपुट देता हूँ. आई एड टू दैट वैल्यू ऑफ दैट कॉन्टेंट. I don't see other people doing that. Or it's none of my business what they do and what they don't do. What's my business is my channel, my brand. And that's what I'm talking about here. Please stop using my brand name. ये मेरी रिक्वेस्ट है. रिएक्शन एक्सप्रेस, पाकिस्तानी रिएक्ट्स, व्लॉग्स, इनसेन, ये खुली चोरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एंड यू गाइज नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन. ये बहुत गलत है, इसको जला दो, ये कर दो. मैंने लगा अच्छा देखते हैं क्या किया क्या है भाई, इतना हंगामा क्यों हो रहा है. मैं जाके ट्रेलर देखने गया कि मतलब किस बात का शो रहा है, ये हिस्टोरिकल डिपिक्शन गलत है, ये सब ये लोग बोल रहे थे. तो मैं जाके देखने गया, मैंने देखा यूट्यूब पे चलाया मैंने, तो पहले तनिष्क का ऐड आया फिर वो खत्म हुआ, मुझे पता चला साला यही ट्रेलर था. तनिष्क इज अ ज्वेलरी ब्रांड, राइट? या I think so. I'm sure. Tanishq. मैंने कहा सही तो बोल रहे हैं ये लोग, ऐसा सही बात है यार, ये तो उस समय ऐसे डिजाइनर ज्वेलरी थोड़ा होती थी. सही है इनका आउटरेज, एकदम सही है. आई सपोर्ट देम, ये ऐसी गलत ज्वेलरी दिखा दी है. पद्मावत, ऑन विच द फिल्म पद्मावती इज बेस्ड. नाउ उसका आई भी हटा लिया इन्होंने, वो सारा नाम बदल दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा, पढ़े लिखे थोड़ा. वो आएंगे बोले पद्मावती कहाँ लगी है जी, नहीं यहाँ तो नहीं लगी, वहां पद्मावत लगी. अच्छा चल वहां से कहीं और चले जाएंगे, वो हो सकता है. अगर वो इतने भाई हैं, बहुत सॉफ्ट दिल वाले हैं, तो हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट अकल वाले भी हों, तो चले जाएं. फिर वो है, उसके बाद उन्होंने और आगे बढ़े. फिर किसी ने बोला 5 करोड़ दे दो, उसकी गर्दन काट के ले आओ, हम 5 करोड़ दे देंगे. फिर किसी ने कहा कि नाक काट के ले आओ साला, 10 लाख दे देंगे. नाक लेके जाओगे तो दीपिका भी लेके जानी पड़ेगी ना, दिखाने के लिए इसी की नाक है, तो कैसे पता चलेगा? लेकिन फिर इन्होंने फांसी दी पुतलों को, चित्तौड़ फोर्ट के नीचे 3 पुतलों को फांसी दी गई वहां पे, कि भंसाली का पुतला है वहां पे, रणवीर सिंह का पुतला है, और वहां पे दीपिका का पुतला है. शाहिद बोला यार मैं भी हूँ यार फिल्म में. शाहिद खान को नहीं दी फांसी, अब मेरा पुतला क्यों नहीं है यार, ये क्या बात हुई यार. ट्रेलर में भी कोई नोटिस नहीं कर रहा है, यहाँ भी तुम लोग ये कर रहे हो यार, ये क्या जो बात है यार. मैंने तो नोट किया, ही इज लुकिंग प्रीटी इनसेन. मैंने भी किया, मेरा भी लटकाओ, मुझे भी फांसी दो. लेकिन ये है क्या, ये फिल्म है क्या, मैं जानना चाहता था. मैंने थोड़ा पढ़ा कि पद्मावत क्या है, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर दी. तो पद्मावत की कहानी क्या है और उसको कैसे डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, मैं देखना चाहता था. तो मैंने पढ़ी, तो मैं आपको कहानी थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ. एक राजा है, उसकी बेटी है रानी पद्मिनी. तो वो राजा साहब बड़े पजेसिव टाइप हैं, उन्होंने बेटी को रखा हुआ है, वो किसी से उसको बात नहीं करने देते हैं बेटी को, और ये सब, ये टिपिकल इंडियन मेल वो है ना, कि प्यार और ऑपरेशन में फर्क नहीं समझ आता.
तो इतना प्यार करते हैं कि उसको ऐसे छुपा के रखा हुआ है कि किसी से बात नहीं करेगी, और उसका एक बेस्ट फ्रेंड है तोता, हीरामन नाम का एक तोता है, वो उससे बात बात करती है। एक दिन पिताजी बोलते हैं तोता बहुत ज्यादा बात कर रहा है, इससे तोते को मार दो। खामोशी तोते की ऑनर किलिंग हो रही है वहां पे, तोते की ऑनर किलिंग। उन्होंने कहा कि ऐसा है तोते को मार दो। इज दिस ट्रू? लाइक ये वो चार सिपाही टाइप तोते को ले गए जंगल मारने, उड़ गया। कितने चूतिए थे ये, चार लोग मिलके एक तोते को नहीं मार पाए। कैसे तोते को साले मारना है तो पिंजरे में मारो ना, जंगल ले जाओ, वो उड़ जाएगा ना भैया, तोता है वो एक टाइम पे एक पैर नहीं उठाता है, वो तोते को मारने के लिए ये लोग जंगल ले गए, तोता ससुर उड़ गया। उड़ गया, वो उड़ के गया कहां? राजा रतन सेन के पास, जो शाहिद है फिल्म में, राजा रतन सेन के पास गया। वहां जाके तोते ने बताया कि एक रानी है पद्मिनी, बड़ी सुंदर सी है। सो बाप का शक सही था, तोता बहुत बातें करता, तोता हरामी है। तोता हरामी है। राजा रतन सेन ऑलरेडी मैरिड, ओके, ऑलरेडी उसकी शादी वादी हो चुकी है। तोते ने आके उसको बोला, बड़ी सुंदर है, बोला अच्छा मुझे चाहिए। आप सोचो आपकी खिड़की पे एक दिन कोई तोता आ रहा है, और बोले वहां पे ना राजस्थान में एक बहुत ही कोई है सुंदर सी है, आप अपने घर द्वार छोड़ के चल पड़ो। मैं तो राजस्थान वैसे ही ना जाऊं, कोई कुछ भी बोले। ऑलरेडी मैरिड, एक तोता आके उसको बोल रहा है, तोता है कि ससुर व्हाट्सएप है, जो बोला तूने मान लिया। वो चल पड़ा, वो पहुंचे वहां पे कि हमको जाना है महल के अंदर। वो राजा जो साला तोते से नहीं बात करने देता, आदमी को घुसने देगा, उसने बोला ऐसा है आप जाइए यहाँ आप फोन। तो वो भेष बदल के आया, वो साधु का भेष बना के आया, और फिर भी अंदर आके वो पद्मिनी तो ऑब्वियसली उसको नहीं दिखी, लेकिन उसको एक जगह बर्तन में उसका रिफ्लेक्शन दिख गया। ये चैप्टर जैसे आया भंसाली ने बोला मैं फिल्म बना रहा हूं। ये जो बात है, कितना बॉलीवुड मोमेंट है यार, बर्तन आ गया, मैं बर्तनों के लिए बनाता हूँ। लेकिन फिर somehow something happened, मैं थोड़ा प्लॉट कट शॉर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ करके उसने वो शादी हो गई, क्योंकि राजा ने भी बोला ठीक है यार कितने दिन छुपाएंगे, क्योंकि तोता तो खुला घूम रहा साला, सबको बताना पड़ेगा इसकी शादी करा दो। कल जाके साला अमित शाह को कुछ बोल रहे। फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसा है आप ले जाइए, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ये वो है, जो भी है ठीक है आप ले जाइए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा शायद ने तोते का रोल क्यों नहीं किया फिल्म में, ज्यादा फुटेज शायद उसका है। अच्छा, उसको ज्यादा एयर टाइम मिला। लेकिन यहाँ नहीं खत्म हुई बात। एक और राजा था बगल के राज्य में, उसने भी सुना कि पद्मिनी बड़ी सुंदर है, वो रतन सेन के पास आ गया। आफ्टर रतन सेन हैज मैरिड पद्मिनी, सेइंग मुझे पद्मिनी चाहिए। रतन सेन ने बोला तेरे पास भी तोता है, चल हट यहाँ से, ये वो जो भी है उनका झगड़ा हुआ, ईगो फाइट हुई, वो चला गया। लेकिन उसने जाके खिलजी को, तब खिलजी आता प्लॉट में पद्मावत के प्लॉट में, आफ्टर 75% ऑफ पद्मावत इज डन और समथिंग, तब जाके वो खिलजी के पास गया। उसने भी खिलजी को बताया कि भैया ऐसा है वहां एक बड़ी सुंदर रानी है, अच्छा पद्मिनी नाम की, बहुत सुंदर है। खिलजी बोला कि तूने देखा है? प्लान नहीं, तोते ने बताया, तोते ने देखा है और रतन सिंह को बताया है। खिलजी बोला बहुत तुम साले बहुत गलीबल टाइप हो, पर ठीक है। अच्छा, दूसरा राजा जो था वो खिलजी नहीं था, खाली है, कुछ ज्यादा ऐसा काम नहीं है, देखते हैं। खिलजी स्टार्टेड बिल्डिंग एन अटैक ऑन रतन सेन, उसका फायदा उठाते क्योंकि रतन सेन पे खिलजी अटैक कर रहा था, वही वो दूसरा राजा जो भी चंकी पांडे व्हाटएवर, चंकी पांडे वो अटैक कर दिया। और तो वो दोनों राजा रतन सेन एंड दैट गाय बोथ राजपूत फॉट विद ईच अदर व्हाइल खिलजी वाज स्टिल लाइक ऑन हिज वे।
आपस में लड़े, आपस में मर गए वो दोनों, एज पर पद्मावत दो राजपूत हिस्ट्री और वॉट एवर देयर ओरल हिस्ट्री, बट एज पर पद्मावत वो दोनों राजा आपस में लड़े, आपस में मर गए, दोनों मर गए, उनकी रानियों को साथ में सती करना पड़ा, सो पद्मिनी कमिटेड सती एट दैट टाइम। उसके बाद खिलजी आया, उसके बाद खिलजी आया बोला ससुर बुलाए का है ना, तो कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं है, सारे मेन कैरेक्टर खत्म हो चुके हैं। उसके बाद खिलजी आया और उसके बाद वो जो चित्तौड़ की बाकी रानियां थी और बाकी वहां की महिलाएं थी उनको जौहर करना पड़ा। दिस इज द एंड ऑफ पद्मावत। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर वो चार लोग तोते को मार देते तो आज भंसाली के 180 करोड़ नहीं फंसे होते। सही। सो दैट वॉज स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन ऑन पद्मावत, एंड थैंक यू सो मच वरुण ग्रोवर फॉर एक्सप्लेनिंग द होल थिंग, क्योंकि मुझे भी सही से नहीं पता था क्या स्टोरी है। मेरे अपार्टमेंट के नीचे एक राजपूत लिकर स्टोर ओनर रहते हैं, स्मोक शॉप ओनर, एंड ही वॉच्ड माई रिएक्शन टू पद्मावती ट्रेलर। आई डोंट नो, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को शायद ये, एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम के यार क्या चक्कर क्या है, क्यों इतने दंगे हो रहे हैं, क्यों इतने डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं डायरेक्टर को, एक्टर्स को, तो He was so confused, क्योंकि उसको पता है मैं पाकिस्तानी हूँ। He was so confused, he didn't know what to say to me. I didn't really get much of what he was saying, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया वो ये था कि he was like कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी रानी जो है उसको किसी मुसलमान ने हाथ लगाया, हाथ लगाने से पहले ही वो अपने आप को जला देगी, भस्म कर देगी, इस तरह की बात। And he was really proud of it. And at that point मेरे दिमाग में आया कि यार कैसे एक कॉइन के दो फेसेस होते हैं और कभी कभार दोनों एक जैसे ही होते हैं लेकिन फिर भी अलग अलग साइड्स पे होते हैं। इसी तरह का सिनेरियो अगर किसी मुसलमान पे रख दो और यही स्टोरी को मुझे मुसलमान सुना रहा होता तो वो भी सेम यही बातें कर रहा होता कि हमारी औरत तो जल जाए इससे पहले कोई हिंदू उसको हाथ लगाए या कोई यू नो कोई राजपूत उसको, लाइक इट्स द सेम फकिंग थिंग, जस्ट डिफरेंट पीपल, पपेट्स दूसरे करती हैं, सेम बेस है, सेम सेम प्लॉट है, सब कुछ सेम बातें हैं, सेम सोच है, सिर्फ लोग अलग अलग डालती हैं बीच में। इट जस्ट मेड मी फन, इट मेड मी लाफ सो मच कि यार कैसे एक हिंदू सोचता है कि वो मुसलमान से बड़ा है और कैसे एक मुसलमान सोचता है कि वो हिंदू से अच्छा है, लाइक हाउ डज दैट वर्क। क्या तुम लोगों में इतनी अकल नहीं है कि एक दूसरे को शीशे में देख सको या अपने आप को शीशे में देख के पहचान सको कि मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा वो बंदा है, थोड़ा डिफरेंट कलर है, थोड़ी आँख ऊपर नीचे है, थोड़े बाल टेढ़े मेढ़े हैं, but it's the same freaking DNA, it's the same structure, it's the same bones, it's the same skin, it's everything is the same way. Yeah, so I didn't press him that much kyunki mujhe usse roz milna hota hai, I didn't want him to feel bad about something, even though he's not like a typical jahil fundamentalist sort of a person, sahi insaan hai jaise hote hain log, aam aadmi hai, but I didn't want to get into the debate with him ki yaar isme agar itna kya galat hai ki agar koi musalman kisi hindu ke sath rehta hai ya hindu kisi musalman ke sath rehta hai, so I didn't press him on that subject because I didn't want him to feel uncomfortable, kyunki mere paas to bahut arguments the banane ko, I could have debated with him all day and I know aakhir mein main jeeta kyunki main sahi baat kar raha hu, but then again yahi jo soch hai meri, jo soch hai ye wali, yahi soch hum sab ki hoti hai na ki bhai main sahi keh raha hu ye kaise bol sakta hai, iski example isme bhi li jati hai ki border ki jo सिचुएशन होती है, कभी कोई फायरिंग होती है, आप देखेंगे एक इंडियन आदमी आगे लिखता है कि यार ये देखो बॉर्डर पे पाकिस्तानियों ने फायरिंग की है, और वही सेम गूदा सारा, वही सेम मटेरियल कोई पाकिस्तानी आदमी कहीं और जाके लिख रहा होता है कि देखो इंडिया ने बॉर्डर पे फायरिंग की है। तुम लोग एक दूसरे को तो देखो एक दफा यार, तुम्हें समझ में आएगा कि गेम क्या हो रहा है, कि तुम दोनों चूतिये बन रहे हो, ऊपर से कोई और गेम खेल रहा है। एनीवे, दैट्स जस्ट माय ऑब्जर्वेशन, मुझे लगता है ऐसा कि हमें बहुत आसानी से हम जो है ना पीछे भाग जाते हैं। यह आई कुडंट बिलीव द तोता वाली स्टोरी, बट आई थिंक दैट्स द ट्रू स्टोरी जो उसने बताई है। ही सेज कि इसने ऑथेंटिक राजपूत हिस्ट्री से उठा के ये बातें बता रहा है कि तोते के साथ मसला था और तोते को, to be honest this all sounds like fiction to me, but then again who am I to judge, main us zamane mein nahi tha, hame nahi pata us zamane mein kaise log hote the, kya karte the, thali mein uski reflection dekh ke usko pasand kar lena, sounds like a scene right out of Bollywood movie, lekin Bollywood to 100 saal purana hai, ye stories to kitni purani hai, maybe it really happened, maybe not, maybe फॉर श्योर हमारी जो स्टोरीज हैं और हमारे जो मूवीज हैं ये सब आता तो हमारी हिस्ट्री से ही है ना, हमने सीखा तो सब अपनी हिस्ट्री से ही है, चाहे गोरे हों या चाइनीज हों या एशियन हों या कोई भी हो, हमने सीखा सब कुछ अपने एंशियंट हिस्ट्री से, तो द स्टोरीज दैट वी टेल, द थिंग्स दैट वी डू, द फूड दैट वी ईट, द क्लोथ्स दैट वी वेयर, दे ऑल हैव रूट्स गोइंग बैक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो या मे बी दैट ऑल स्टोरी, ऑल ऑफ द स्टोरी इज ट्रू, एंड मे बी रियली द तोता डिड रियली एस्केप एंड देन वेंट टू सम राजा एंड टोल्ड हिम अबाउट द गर्ल एंड देन kept going around every place and kept telling everybody, no maybe he didn't do all that, lekin ho sakta hai waqai mein ke tota wahan gaya ho aur us tote se usne baat ki aur usne bola padmani padmani, and you know maybe he got interested ke kaun hai padmani and then he looked for her and he found her and he fell in love with her and then he wanted to marry her, lekin khilji ka jo role tha wo mujhe samajh mein nahi aaya, us waqt ka ruler khilji tha and then he comes back and
Thank you, Avinash Kumar, for requesting this. I enjoyed this comedy routine. It was good. It was really informative and it was also pretty funny. I hope you guys enjoyed and liked my video and reaction. And for all those people who are copying my brand name and copying my channel name, please stop. And agar aap meri videos dekh rahe hain, if you guys like my channel, please go to their channel and tell them to stop stealing my name. Thank you so much. I love you guys. Take care. Shab khair.